हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारंग सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं है ना कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के यूनिट 5 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इस यूनिट 5 के अंतर्गत हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में गरीबी या निर्धनता के कारण। अरे समझ है ना, भारत में गरीबी या निर्धनता के कारण को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम बिना वीडियो को बिना देरी किए आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और प्रश्न भी मतलब हमारे सामने खड़ा होता है, मोस्ट टाइम भी प्रश्न भी बनता है कि भारत में गरीबी की कौन कौन से कारण है या भारत में निर्धनता के कारणों को लिखिए करके। ठीक है, तो यहाँ पर 7 निम्नलिखित कारण है जो निर्धनता के कारण माने जाते हैं। ठीक है ना, भारत में गरीबी या निर्धनता के प्रमुख 7 कारण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अरे समझ, पहला कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, और इन सब कारणों को एक एक करके हम क्या करते जाएंगे, डिटेल करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, अब डिटेल करते हैं तो क्या लिखेंगे, भारत में गरीबी का सबसे पहला कारण है मतलब जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ना या जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का होना। ठीक है, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में खाद्य सामग्री की पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उत्पादन के साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है ना, जिसके कारण क्या हुआ है कि गरीबी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे समझ है ना, जिसके कारण क्या है, गरीबी बढ़ती जा रही है। आगे समझ, एक बार फिर सुनते हैं क्या बोलते हैं, भारत में गरीबी का सबसे पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ना, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में खाद्य सामग्री संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोग क्या है कि निर्धन होते जा रहे हैं या निर्धनता बढ़ी है। आगे पहला पॉइंट समझ, इसके बाद दूसरा है संयुक्त परिवार प्रथा। आगे समझ, क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली कहना चाहिए है ना, ज्वाइंट फैमिली एक ही परिवार में सब मिलजुल कर रहना है ना। तो दूसरा कारण क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा। ठीक है, तो भारत में गरीबी या निर्धनता का दूसरा बड़ा कारण संयुक्त परिवार प्रथा है। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा क्या करती है कि है ना मतलब व्यक्ति को आलसी और निकम्मा गैर जिम्मेदार ना बना देती है। ठीक है ना, आलसी निकम्मा और गैर जिम्मेदार ना बना देती है, जिसके कारण भी लोग क्या हो जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने लगते हैं। आगे समझ है ना, दूसरा कारण क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रथा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार प्रथा भी गरीबी के लिए कुछ हद तक क्या है, उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार प्रथा लोगों को निकम्मा आलसी और गैर जिम्मेदार ना बना देती है ना, और ऐसे व्यक्ति ना तो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं और ना ही अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग क्या करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने लगते हैं। ठीक है, तो यही बड़ा कारण है। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण है बेरोजगार है ना, तीसरा बड़ा कारण क्या है, बेरोजगार। ठीक है, तो गरीबी या निर्धनता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। ठीक है, मतलब जो लोग बेरोजगार होते हैं वह व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में असमर्थ रहता है। ठीक है, जिसके कारण उसको क्या करना पड़ता है, निर्धनता के नीचे जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा कारण है क्या, बेरोजगारी है ना। जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा उसको किसी प्रकार की आय ही नहीं हो पाएगी है ना, अब आय तो नहीं हो पा रही, जब आय नहीं हो पा रहा है तो उसकी है ना मतलब गरीबी के नीचे जीवन यापन करने के लिए क्या हो जाएगा, विवश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा कारण है बेरोजगारी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखते हैं क्या बोलते हैं कि भारत में गरीबी या निर्धनता का चौथा बड़ा कारण है प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग ना हो पाना या ना कर पाना। ठीक है, अब देखो भारत तो एक धनी देश है, भारत में प्राकृतिक संसाधन भारी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण, पूंजी की कमी के कारण इन संसाधनों का पूर्ण रूप से विदोहन या प्रयोग नहीं हो पा रहा है या नहीं किया जा रहा है
है ना। अब जब प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, फैक्ट्रियां स्थापित नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसके कारण भी लोग क्या हो जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। आगे समझ है ना। चौथा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन, ठीक है। तो भारत में गरीबी या निर्धनता का चौथा बड़ा कारण है कि भारत में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है ना। भारत में प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है लेकिन इनका उपयोग सही ढंग से या पूर्ण ढंग से नहीं हो पाया है, जिसके कारण, और दूसरी बात क्या है ना, जिसका कारण क्या है, यह पूंजी का अभाव है, ठीक है, पूंजी की अभाव है और संसाधनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है ना, जिसके कारण रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पा रही है, ठीक है, और फलस्वरूप व्यक्ति क्या है कि निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है या नहीं होता है। अब पांचवा कारण देखते हैं, बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे टीबी हो गया, चेचक हो गया और बहुत सारे मलेरिया हो गया है ना, ये सब बीमारियां हैं है ना, और भारत के लोगों की जो स्वास्थ्य स्तर है काफ़ी निम्न है ना, इसी कारण लोगों को फैक्ट्रियों से अवकाश लेना पड़ता है, ठीक है, अवकाश लेने के परिणाम स्वरूप उनकी जो रोजगार का दिवस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, रोजगार का दिवस कम हो जाता है ना, कुशल श्रमिकों का अभाव होता है, ठीक है ना, जिसके कारण भी भारत के लोग क्या है, भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण है क्या, बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर, ठीक है। अगर अगला पॉइंट देखते हैं, बुरी आदतें, ठीक है, बुरी आदतें मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बुरी आदतें बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया है ना, ये वेश्यावृत्ति हो गया है ना, और मतलब ये बुरी आदतें और बहुत सारे हैं, जैसे नशा पान करना, ठीक है, तो ये सब क्या है, बुरी आदतें हैं ना। कई देखे हैं अपन, कई लोगों के घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन जो भी पैसा रहता है उनको अपन बुरी आदत में, जुआ में, सट्टा में या अपन नशा पान करके उनको बर्बाद कर देते हैं, परिणाम से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये कहना चाहिए कि भारत में निर्धनता या गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण कहना चाहिए कि बुरी आदतें हैं, आगे समझ, ठीक है, इसको डील करते हैं। तो भारत में निर्धनता का एक बड़ा कारण बुरी आदतें हैं है ना, बुरी आदतें मतलब सट्टा, जुआ, वेश्यावृत्ति, नशापान है ना, इनके कारण भी लोग क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं है ना, निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये बुरी आदतें मतलब जो कम शिक्षित लोग होते हैं है ना, मतलब सभी लोग बुरी आदतें में लिप्त होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सातवां, निम्न पूंजी निर्माण, ठीक है, क्या है, निम्न पूंजी निर्माण या कम पूंजी निर्माण, ठीक है। तो भारत में पूंजी निर्माण की जो गति है काफ़ी धीमी है ना, वैसे तो भारत की लोगों की जो आय भी कम है ना, आय कम होने के कारण बचत करने की क्षमता भी लोगों की कम है, जिसके कारण भारत में पूंजी निर्माण की गति कैसी होती है, धीमी होती है, ठीक है। अब मतलब सोचिए ना, जब पूंजी निर्माण की गति धीमी हो, मतलब जैसे सबसे पहले अपन आय को लेकर चलते हैं, व्यक्ति की आय कम होगी, जब आय कम होगी तो वह लोग मतलब पूंजी निर्माण कर सकते हैं क्या, बचत कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। जब पूंजी निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, बचत ही नहीं कर पाएंगे, तो हम निवेश कर पाएंगे क्या, निवेश भी नहीं कर पाएंगे है ना, परिणाम स्वरूप हमको गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ये हो गया पूंजी निर्माण की दर कहना चाहिए, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं क्या है, भारत में गरीबी के निम्न के सात कारण है और बहुत सारे कारण है, इसमें से हम सात कारण ही देखते हैं। पहला कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है ना, दूसरा है संयुक्त परिवार प्रथा, तीसरा है बेरोजगारी, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन है ना, फिर पांचवा बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर है ना, फिर छठवा है बुरी आदतें और है सातवां निम्न पूंजी निर्माण, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का भी यह जो वीडियो होगा आपको काफ़ी पसंद आया होगा है ना, और अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अपन कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय को लेकर, अगर समझ, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।